आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों, प्रगति और बेहतर समाज के लिए उनके योगदान का जश्न मनाने का दिन है और महिलाओं के इस दिन से यह एहसास दिलाया जाता है कि वो इस समाज और दुनिया के विकास में कितना खास है। बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने भी अपने आप को बदला है। बुलंद हौसलों से महिलाएं अब आसमान छू रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नारा हमारा ये है, सहना नहीं अब कहना है। करुणा की सागर दया की देवी है औरत, ममता की सागर और क्षमा की मूरत है औरत, प्रकृति का रूप और सहनशीलता का स्वरूप है औरत। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। बदलते वक्त में महिलाओं ने खुद को बदला है और कल तक घर की चार दीवारी में रहने वाली नारी आज घर की दहलीज के बाहर भी अपने सपने देख सकने के लिए काबिल हुई है। जमीन से आसमान तक, सियासत से खेल तक महिलाओं ने इतिहास रचा है। सरकार बनाने और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में अहम रोल रहा है। 2007 विधानसभा चुनाव से अब तक महिला वोटर्स ने जिस पार्टी को ज्यादा वोट किया उसी पार्टी की सरकार सत्ता में आई। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 12%, बीजेपी को 14%, तो वही बीएसपी को 25% और समाजवादी पार्टी को 31% महिलाओं ने वोट किया था। तब अखिलेश यादव सूबे के सीएम बने थे। 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 5%, बीएसपी को 23% और समाजवादी पार्टी को 20% महिलाओं ने वोट किया था और बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। इससे साफ है कि नारी शक्ति जिसके साथ है उसकी जय है और उसकी ही विजय है। मेरा आज के दिन सभी महिलाओं से ये संदेश है कि अपना जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। चाहे कोई भी क्षेत्र है वो उतना ही आगे बढ़ सकती हैं, उतनी ही सफल हो सकती हैं जितने पुरुष हैं। आज के दिन बाकी लोगों से भी सभी से यही अपील है कि महिलाओं को आगे बढ़ने में उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका सम्मान दें और उनको सहयोग। बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने भी अपने आप को बदला है। महिलाएं अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बड़े से बड़ा फैसला ले रही हैं, सरकार बनाने और गिराने में अहम रोल भी निभा रही हैं। बुलंद हौसलों से महिलाएं अब आसमान छू रही हैं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा ही बेहतर कल का आधार है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है आग। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते किस तरीके से भीषण भयंकर आग लगी हुई है और अब प्लास्टिक फैक्ट्री में ये आग लगी। आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये धुएं का गुबार कितने ऊपर तक उठ रहा है। इससे इस आग का आप कारण भी समझ सकते हैं कि प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग की वजह से